कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 16। इस एक्सरसाइज के बाकी सभी प्रश्न मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लिंक मैं इस वीडियो के अंत में आपको दे दूंगा, आप इन सभी सवालों को देख सकते हैं। यह क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स। प्रश्न नंबर 16 में दिया घनाभ जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। इस प्रश्न के हमें ये दो भाग दिए हैं, इन दोनों ही भागों में हमें घनाभों के आयतन दिए हुए हैं और इसमें हमें बताना है क्या घनाभों की विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, घनाभ क्या होता है, एक 3D आकृति होती है इस तरह की, ठीक है। इसमें तीन विमाएँ होती हैं, एक विमा हमारी ये होती है जिसे हम लंबाई कहते हैं, एक विमा हमारी ये होती है इसे हम चौड़ाई कहते हैं, और एक विमा हमारी ये है इसे हम कहते हैं ऊंचाई। तो इस प्रश्न में हमें क्या बताना है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। और हमें दिया क्या है, इसमें दोनों ही पार्ट्स में हमें घनाभ के आयतन दिए हैं। तो घनाभ का आयतन हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं, घनाभ का आयतन निकालते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इस फॉर्मूले का प्रयोग करके, ठीक है। तो ये जो हमें व्यंजक दे रखे हैं दोनों ही भागों में, हमें इनका क्या करना है, तीन तीन गुणनखंड कर लेने हैं। अगर हम इनके तीन तीन गुणनखंड कर लेंगे तो हमें घनाभ की विमाओं के लिए संभव व्यंजक मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्रश्न बहुत ही आसान है, सिंपल सा, हमें क्या काम करना है, ये जो दोनों ही आयतन दे रखे हैं इनके तीन तीन गुणनखंड हमें कर लेने हैं, जो कि हमारी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के लिए संभव व्यंजक हो जाएंगे। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पार्ट वन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और पार्ट वन में जो भी घनाभ का आयतन दे रखा है उसे हमें लिख लेंगे, दिए गए घनाभ का आयतन, और ये हमें दिया है 3x² - 12x, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो हम इसको भी लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई, शॉर्ट में लिख देता हूँ, गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो ये जो हमें दे रखा है ये क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्या दे रखी है हमें, 3x² - 12x, क्लियर हो गई बात। तो हमें इस व्यंजक के क्या करने, तीन गुणनखंड कर लेने, वही तीन गुणनखंड क्या होंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए दो पद हैं इसमें, दोनों ही पदों में अगर कोई चीज़ सेम है तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा और 12 भी हो जाएगा, तो संख्या हमारी दोनों पदों में क्या कॉमन है, 3, ठीक है। इसमें x की घात 2 है, इसमें x की घात 1 है, जहाँ कुछ घात नहीं होती वहाँ होती है घात 1। इसमें x की घात 2 है और इसमें x की घात 1 है, दोनों में ही x है, तो कॉमन हो जाएगा हमारा x की घात 1, जो घात छोटी होती है वो कॉमन हो जाता है, ठीक है। अगर हम 3x² में से कॉमन लेंगे तो हमें अंदर क्या मिलेगा, x मिलेगा। जो भी चीज़ कॉमन लेते हैं उससे हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। यहाँ पर हमें 3x² को 3x से भाग करना है, 3x² x² का मतलब है x गुणा x, ठीक है। इसको हमें भाग करना है 3x से, तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखो x से x कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा, x, ठीक है। तो वही x हमने यहाँ लिख लिया, माइनस लगाएंगे, फिर 3x से 12x को भाग देंगे, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 से 12 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमें दो गुणनखंड मिल गए, पहला गुणनखंड 3x और दूसरा है x - 4, लेकिन हमें कितने गुणनखंड चाहिए, 1, 2, 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 3x को भी दो गुणनखंडों में व्यक्त कर लेंगे, 3x को हम लिख लेंगे 3 × x, 3 × x क्या होगा, 3x, ठीक है, और गुणा में हमारा यहाँ पर है x - 4। तो इस वाले व्यंजक को हमने इन तीन गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर लिया, पहला गुणनखंड 3, दूसरा x और तीसरा x - 4। तो ये क्या दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है ना। तो हम यहाँ आंसर लिख लें, घनाभ की विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या होंगे, 3, x, x - 4, ठीक है। इसमें से किसी को भी आप लंबाई मान सकते हैं, किसी को भी ऊंचाई और किसी को भी चौड़ाई, क्यों, क्योंकि ये क्या है, तीनों गुणा में है, ठीक है। गुणा करने पर हमें इन तीनों की क्या मिलेगा, यही मिल जाएगा। तो ये हमारा
आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट भी हमें फर्स्ट पार्ट की तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिए गए घनाभ का आयतन। क्या आयतन दिया हमें इसमें, 12ky² + 8ky - 20k। और आप अच्छी तरह से जानते हैं घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, और ये हमें दे रखा है 12ky² + 8ky - 20k। तो ये जो व्यंजक है पूरा, इसके भी हमें तीन गुणनखंड कर लेने हैं जो हमारे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेना पड़ेगा हमें। देखिए के तीनों ही पदों में के है, तो के कॉमन हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर 4 से 12 पूरा विभाजित हो जाता है, 8 भी हो जाता है और 20 भी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इन तीनों पदों में जो कॉमन निकल रहा उसको ले लेना है। तो कॉमन क्या है, 4k। ठीक, जब 4k से हम 12ky² को भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4 से 12 तीन बार में, के से के पूरा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारा 22। ठीक है, प्लस लगाएंगे, 4 से 8 दो बार में कैंसिल, के से के पूरा कैंसिल, बचा हमारा 22। ठीक, माइनस लगाएंगे, 4 से 20 पांच बार में कैंसिल और के से के पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें अंदर मिलेगा 3y² + 2y - 5। अब हमें दो गुणनखंड ये मिल गए हैं, लेकिन हमें तीन चाहिए, तो ये जो अंदर ब्रैकेट में प्राप्त हुआ है इसके भी हम दो गुणनखंड कर सकते हैं। ये एक द्विघात बहुपद है, और इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड हम किस तरह से करते हैं ये आप पिछले वीडियो लेक्चर्स में सीख ही चुके हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो बीच में पद होता है यानी घात एक वाला पद होता है, उसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। कैसे विभाजित करते हैं, देखिए सबसे पहले तो जो घात दो वाला पद है इसका गुणांक लेंगे जो कि 3 है, और बिना चर वाला यानी जो अचर पद है -5 इसको लेंगे और इन दोनों की हम कर लेंगे गुणा। तो हमें यहाँ यहाँ क्या प्राप्त होगा, हमें यहाँ प्राप्त होगा -15। ठीक है, अब हमें ये बीच वाला पद जो दे रखा है 2y, ठीक है, इसका गुणांक है हमारा 2। इस 2 के हमें दो भाग ऐसे करने हैं, दो भाग ऐसे करने की गुणा करें इन दोनों की, तो हमें ये प्राप्त हो जाए यानी -15। ठीक है, और जब जोड़ें इन्हीं दोनों भागों को, क्या करें जब जोड़ें इन्हीं दोनों भागों को, तो हमें क्या प्राप्त हो, ये चीज़ यानी जो यहाँ लिखी हुई है यानी प्लस का दो प्राप्त हो। तो ऐसे दो भाग स्टूडेंट्स कौन से हैं, ऐसे दो भाग हैं हमारे 5, -3। अगर हम इन दोनों की गुणा करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, -15। और इन दोनों भागों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, +2। देखिए कैसे होगा, 5 और प्लस का नाम इसमें -3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5(-9)-3 बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 2। ठीक है, तो जहाँ ये 2 लिखा हुआ है इसमें, ये यहाँ पर हमें ये लिख लेना है 5-3। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं, इसको सेम एज उतार लेते हैं। ठीक है, 4k बड़ी ब्रैकेट लेंगे और फिर हम लिखेंगे 3y² + इस 2 की जगह हमें क्या लिखना है, प्लस 2 की जगह 5-3। तो यहाँ लिख लेते हैं 5-3 ब्रैकेट 1, y है बाहर, y लिख लेंगे, -5। ठीक है, और यहाँ बड़ी ब्रैकेट क्लोज, क्लियर। फिर 4k और यहाँ हमें छोटी ब्रैकेट जो अंदर देगी इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ 3y² ब्रैकेट लाएंगे, प्लस यहाँ तो प्लस प्राप्त होगा, 5 की और y की गुणा होगी तो ये हो जाएगा 5y। जब हम ब्रैकेट हटाते हैं तो ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज़ें दे रखी होती हैं उनसे ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ आएंगी उनकी गुणा होती है। जैसे कि हम यहाँ से ये ब्रैकेट हटाएंगे तो बाहर है प्लस और अंदर ये किसका, ये भी है प्लस का, तो प्लस गुणा प्लस प्लस प्राप्त हो जाएगा और बाहर बाई भी दे रखा है तो बाई की और 5 की गुणा हो जाएगी, हो जाएगा 5y। ठीक है, माइनस गुणा प्लस ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये वाला तो पार्ट हो गया हमारा, अब बचा हमारा -3, तो माइनस और प्लस की गुणा माइनस होती है, फिर 3 की और बाई गुणा 3y हो जाएगी। ठीक है, और हमारा यहाँ बचेगा -5, यहाँ ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें होगा 4 पद, 1, 2, 3, 4, इनको हम 2-2 के ग्रुप में बांट लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ 4k हमारा ऐसे ही आ जाएगा। अब इनको हमने 2-2 के ग्रुप में क्यों बांटा है, इन दोनों में हमें ये देखना है कॉमन क्या है। ठीक है, वो हम कॉमन ले लेंगे, इसमें बाई है और इसमें भी बाई है, बाई की घात 2, बाई की घात 1, कॉमन क्या हो जाएगा, बाई यानी बाई की घात 1। ठीक है, अगर हम यहाँ से
बाई की घात एक कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3 बाई, प्लस लगाएंगे, यहाँ से बाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 5। ठीक है, संख्या कोई कॉमन नहीं है, ऐसी कोई संख्या नहीं जिससे 3 और 5 दोनों ही डिवाइड हो जाएं, तो कॉमन हमारा हुआ बाई केवल। ठीक है, अब ये माइनस लगाएंगे, यहाँ इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ होता है कॉमन 1। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या प्राप्त होगा, अगर हम -3y को -1 से भाग देंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 से 3y को भाग देंगे तो 3y प्राप्त होगा। ठीक है, फिर -1 से -5 को भाग देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 से 5 को भाग देंगे तो हमें मिलेगा प्लस का 5। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज। फर्दर हमें क्या करना है, 4k। ठीक, अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन, यहाँ ब्रैकेट में दे रखा है 3y+5 और यहाँ भी है 3y+5। ठीक है, तो इन दोनों ही पदों में 3y+5 हमारा कॉमन हो जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ से 3y+5 कॉमन ले तो यहाँ हमारा क्या बचेगा, बाई, ब्रैकेट में लेंगे इसे बाई। ठीक है, और यहाँ से जब 3y+5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ -1। ठीक, तो यहाँ पर हमें 3 गुणनखंड अपने प्राप्त हो गए, कौन कौन से, 4k × 3y+5 × y-1, यही हमारे क्या होंगे, संभव व्यंजक होंगे विमाओं के लिए, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो आंसर आप लिख लें यहाँ पर, घनाभ की विमाओं के लिए संभव व्यंजक बराबर 4k, 3y+5, y-1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में।